अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशनल इन्फो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मेरिट लिस्ट 2020 के बारे में। मेरिट लिस्ट 2020 के कब लगेगी और कितनी मेरिट लिस्ट लगेंगी, लास्ट मेरिट क्या होगा, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट आपने चेक किस तरह करनी है। आपको लिंक दे दिया जाएगा। इससे पहले एडमिशन, स्कॉलरशिप्स और एजुकेशनल न्यूज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। इस बार आपको मैं बताता चलूं कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का मेरिट बहुत ज़्यादा अप जा रहा है। पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी है। पहली मेरिट लिस्ट 2020 की ऑल बीएस प्रोग्राम्स की जीसी यूनिवर्सिटी की डिस्प्ले हो चुकी है और उसमें मेरिट बहुत ज़्यादा जा रहा है। पिछली बार का अगर कंपैरिजन करें इस बार तो डी फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की मेरिट लिस्ट नहीं लगी, बाकी काफ़ी प्रोग्राम्स की, बीएस प्रोग्राम्स की, मेन कैंपस, चिन्योट कैंपस और बाकी जो कैंपस था उसकी मेरिट लिस्ट लग चुकी है। ये तमाम मेरिट लिस्ट में से हम कुछ प्रोग्राम्स को इसमें डिस्कस करेंगे, उनका लास्ट मेरिट, बाकी आपको वो लिंक दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर लें। डीपीटी का, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी का 93 पे मेरिट क्लोज हुआ है पहली मेरिट लिस्ट में। उसके बाद जो है बायोकेमिस्ट्री का 91 पॉइंट समथिंग पे मेरिट क्लोज हुआ है पहली मेरिट लिस्ट का। और उसके बाद जो है मेडिकल लेबॉरटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबॉरटरी टेक्नोलॉजी का जो मेरिट है वो 90 पे क्लोज़ हुआ है पहली मेरिट लिस्ट में। और बायोटेक्नोलॉजी का 91 पे क्लोज़ हुआ है। ये आपको तमाम जो है बताया जा रहा है पहली मेरिट लिस्ट का, और आखिर में बताया जाएगा कि टोटल भी कितनी मेरिट लिस्टें इनकी लगेंगी। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसका भी तकरीबन 90 पे क्लोज़ हुआ है। आपको बताते चलें जितने भी साइंस के बीएस प्रोग्राम्स हैं उनका 88 से लेकर 93 तक मेरिट रहा है पहली मेरिट लिस्ट में। तकरीबन जो इवनिंग में ऑफर नहीं प्रोग्राम किए जा रहे उनकी 4 मेरिट लिस्टें तकरीबन लगेंगी, 2 ओपन मेरिट की और 2 बेंच फी की। लेकिन जिन प्रोग्राम्स में 4 ऑप्शन थे यानी ओपन मेरिट, बेंच फी रेप्लिका, बेंच फी रेप्लिका, उनकी 8-8 तकरीबन मेरिट लिस्टें लगेंगी। मेरिट लिस्टों का डिपेंड करता है, अगर पहले स्टूडेंट्स पूरे हो गए तो पहले ही मेरिट लिस्टें कम कर दी जाएंगी, लेकिन तकरीबन इतनी ही मेरिट लिस्टें लगेंगी। जैसा कि बायोकेमिस्ट्री और मेडिकल लेबॉरटरी टेक्नोलॉजी वगैरह ये इवनिंग में भी ऑफ़र किए जा रहे हैं तो इनकी तकरीबन 8 मेरिट लिस्टें लगेंगी, यानी 2 ओपन मेरिट की, 2 बेंच फी की, 2 इवनिंग की और 2 इवनिंग में बेंच फी की, यानी 8 मेरिट लिस्टें। इस तरह ये मेरिट लिस्टों का हिसाब होगा। और आपने किसी प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट चेक करनी है तो नीचे फर्स्ट कमेंट में जो है लिंक दे दिया गया है, आप लिंक पे क्लिक करें, डायरेक्ट आप उस पेज पे चले जाएंगे और किसी भी प्रोग्राम का मेरिट चेक कर लें। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर लें।